अच्छा मुझे लगा मुझे चक्कर तो नहीं आ रहा, मुझे क्या होगा, तो धीरे धीरे वो हिल रहा था। बहुत सुंदर सुंदर हाउस बोट है, देख सकते हो। भाग भाग गए हम लोग जो बोट को पकड़ने के लिए, और ये पूरा विलेज साइड है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर लंच। बिस्तर में लेटे लेटे कितना सुंदर व्यू आ रहा है, देखो सामने। पहुंच गए हम लोग एलएपी, और भैया जो अभी पूछ रहे हाउस बोट के ओनर से बात कर रहे कि कहाँ पर लोकेशन है, थोड़ा ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। तो आज बहुत लोग हैं, तो उन लोग का जो हाउस बोट है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से जो है छोड़ रहा है, तो हम लोग वाला हाउस बोट कहाँ पर है उसका लोकेशन जो है अन्ना फोन करके जो है पूछ रहे। और मैडम तो तुम सो गई है, दो घंटा और यहाँ पर जो बहुत सारे जो है ऑन द वे पे शिकारा आपको मिलते रहेंगे। बहुत लोग होते हैं कि हाउस बोट में नहीं रुकते, कि डे टूर में जो थोड़ा शिकारा राइड कर लेते हैं, उसका कुछ अलग चार्जेस होते हैं। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद हम लोग पहुंच गए हाउस बोट के जेटी में। बाय अन्ना। बाय। चलो जी पहुंच गए। तो अभी यहाँ पे देख लो लाइन से जो बहुत सारे हाउस बोट है, सब बोट यही से छोड़ता है क्या? छोड़ता है दूसरी जगह भी होता है, 2000 से ज्यादा। कौन सा? पहला वाला से दूसरा वाला? अच्छा, वो वाला बहुत अच्छा लगा है। वो कौन सा बोट है? कंपनी है क्या? हाँ, नॉन वेज। नॉन वेज? हाँ। तो ये रहा हम लोग वाला। तो ये वाला चलता है या अभी नया बन रहा है? ज्यादा है ना, बुकिंग हुआ नहीं इसका। बुकिंग नहीं हुआ क्या? बुकिंग नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये तो हो रहा है ना अभी। इसमें कितना रूम होता है? चार रूम। तो ठीक है, रॉयल पैलेस। सो ये रहा शायद लिविंग एरिया, सिटिंग एरिया। चलो यही पे बैठना है क्या? बैठ जा। ओ, अपना ऊपर है। अच्छा, ये एक रूम है और ये दोनों में से इसमें चार रूम है। इस वाले में वो है क्या? एसी है? नहीं नहीं, उधर से कुछ दिखता नहीं है ना? ना, इधर से थोड़ा दिखता है। तो उस रूम से दिखता होगा ना? हाँ, उस रूम से दिखता है। आज तो वो रूम ले लेते हैं। और इधर से जाके क्या है, डाइनिंग क्या? तो अभी जो है 11 बज रहा है, 12 बजे के बाद ही जो है मतलब स्टार्ट होता है, 1 बजे लगभग स्टार्ट होता है, वही 12 बजे के बाद चेक इन होता है सबका। फिर जो है 1 बजे कभी भी लेट भी होते हैं, बहुत लोग लेट आते हैं, तो हम लोग बहुत हम लोग बहुत जल्दी आ गए। एनीवेज तो ये सब अभी तैयारी चल रहा है, सब खोलेंगे फिर जो है बाहर बैठ के जा आराम से जो आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। चलो अपना रूम जाते एक बार और अच्छे से दिखाते एक बार रूम, एक बार रूम टूर देते हैं। चलो सो ये रहा हम लोग का रूम। सो एकदम कॉर्नर वाला रूम है। सो इस रूम में थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ से धूप आ रहा है। तो एनीवेज हम लोग को विटामिन डी बहुत चाहिए है, ऐसे भी कम है दोनों का विटामिन डी। वैसे भी यहाँ पे दिन के टाइम पे बैठने वाले जब चलता रहेगा ना बोट, तब इसको उठा देने से काफ़ी अच्छा व्यू आएगा यहाँ से, देख सकते हो। एक बार टॉयलेट रेस्ट रूम देख लेते कैसा है। तो थोड़ा ठीक ठाक है, एवरेज है, चलेगा। हाउस बोट में क्या ही तुमको रॉयल टॉयलेट थोड़ी मिलेगा सोने का। रॉयल पैलेस में रॉयल टॉयलेट नहीं मिलेगा लेकिन एसी भी है, लेकिन एसी चलता है शाम को 6 बजे से 7 बजे के बाद। अभी हम लोग को पहले दिया है 1-2 वेलकम ड्रिंक, तो इसको पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। चीयर्स। और इस बोट का हम लोग ने पे किया 6000 रुपीज़, और उसको हम लोग ने मेक माई ट्रिप से बुक कर लिया था। आप ऑफलाइन यहाँ पर पहुँच के भी बहुत सारे हाउस बोट के जो हर जगह आपको मिलते रहेंगे काउंटर, आप कहीं से भी कर सकते हो। हम लोग ने ऑनलाइन कर लिया क्योंकि फिर आके फिर बुक करके लास्ट मोमेंट में हम लोग, मेरे को तो
कुछ पसंद नहीं है मेरे को। सबसे ज्यादा जो है पहले से सब कुछ बुक करके आना ही मतलब प्रेफरेबल होता है। तो हाँ, क्योंकि सरप्राइज नहीं पसंद ना, यहाँ पे आके ढूंढना वो सब। हाँ, वो एक हेडेक हो जाता है फिर आके। बहुत लोग एयरपोर्ट में भी बहुत लाइन से जो आपको हाउस बोट के जो है काउंटर्स मिल जाएंगे, आप वेरियस हर एक गली गली रोड में आपको मिल जाएंगे। बस हम लोग का जो है सोते सोते आराम से व्यू मिल जाएगा। अच्छा लग रहा है। मैं अभी वही खड़े खड़े जो है मोबाइल पे कुछ देख रहा था। अच्छा, मुझे लगा मुझे चक्कर तो नहीं आ रहा है, मुझे क्या होगा, तो धीरे धीरे वो हिल रहा था। क्या होगा, चक्कर तो नहीं आ रहा है, फिर तक ऐसा जो है ऐसा हिल रहा है। तो देख सकते हो ये सब कुछ हाउस बोट है, बहुत बड़े बड़े हाउस बोट है ये, लेकिन फुल्ली एसी वाले हैं। लेकिन फुल एसी वाले में जो है रहना नहीं चाहिए क्योंकि बेकार लगेगा, क्योंकि फुल एसी एसी आपको नेचुरल जो है जो मज़ा आएगा बाहर बैठने का वो एसी में नहीं मिलेगा। इस तरह का बोट भी अच्छा है, ये शायद दो रूम का है शायद बोट। हम लोग थोड़ा जाते हैं, एक टूर लगा के यार देखते कितने सारे हाउस बोट है यहाँ पर, तो थोड़ा एक बार वॉक करके आते हैं। देख सकते हो अच्छे सा रास्ता बना हुआ है और ढेर सारे जो हाउस बोट लगे हुए हैं। पता नहीं इतने हाउस बोट कहाँ से आए, जब मैं ऑनलाइन बुक कर रहा था बहुत ही लिमिटेड हाउस बोट थे लेकिन, और अभी देखो कितने सारे हाउस बोट यहाँ पर। हमको लग रहा है ज़्यादा ऑफलाइन ही चलता है ऑनलाइन से ज़्यादा यहाँ पर। तो अंकल देख सकते हो सब वाटर बॉटल यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा क्लीन रखना भी ज़रूरी है ना, तो लोग आते इतने टूरिस्ट, थोड़ा कचरा तो हो ही जाता है लेकिन क्लीन भी रखना है। और यहाँ पे पास में होटल भी है, आप यहाँ पे स्टे करके डे टू भी कर सकते हो, आवरली बेसिस पे वो भी आप ऑप्शन में कर सकते हो। यहाँ पर कायाकिंग का भी ऑप्शन है, तो ये लगता है सुबह होता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है कायाकिंग के लिए। स्टेशन के पास ही है तो आपको एक ही जगह में सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सुबह कौन उठेगा, 4 बजे उठना पड़ता है, हम लोग से भी नहीं हो पाएगा ना हो पाएगा, दिन घूम के भी नहीं होता है। तो लेकिन बहुत सुंदर सुंदर हाउस बोट है देख सकते हो, ये सब जो है काफ़ी सुंदर सुंदर है। तो यहाँ पर जो एक भैया मिले थे तो उनका एक हाउस बोट है, तो कुछ बोल रहे थे कि उनका प्राइवेट बोट है, अगर रहना चाहते तो हम लोग रह सकते। हम लोग ने बोला था हम लोग का बुकिंग हो गया, तो उन लोग जो 8,000 में जो पूरा बोट दे रहे जो बहुत अच्छा, हम लोग 6,000 में शेयरिंग में जा रहे हैं। 2,000 लगाते तो पूरा, हाँ 2,000 लगाते तो और पूरा एक बोट ही आ जाता, मस्त होता था। तो हम लोग का जो बोट चलने स्टार्ट हो गया था, हम लोग भाग भाग के आए और संगू जो है वहाँ पीछे रह गई थी, अब कैसे कैसे करके हम लोग जो है आ गया। अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर बैठते और फिर हम लोग अभी स्टार्ट होगा हम लोग का बोट राइड। भाग भाग के आए हम लोग जो बोट को पकड़ने के लिए, इस लड़की के चक्कर में जो है चला गया। एक्चुअली मैं भूल ही गया, अभी 12:30 एक बजने वाला है, तो मैं भूल ही गया कि हम लोग का बोट तो चलेगा। हमको मुझे लग रहा था कि बोट तो यहीं पे रहेगा, हम लोग जाके रहेंगे। हम लोग बोल रहे कि चलो थोड़ा घूम के आते, देख के आते थोड़ा। हम लोग को दिमाग से उड़ गया था ये तो बोट हाउस है, ये तो चलेगा अभी। बताइए, देखो अभी स्टार्ट हो गया है। बेसिकली ये अभी हम लोग आए ओपन लेक पर, ये देखो तो पूरा एरिया चारों तरफ से का, अंदर थोड़ा गर्मी ज़्यादा लेकिन यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, हवा जैसा लग रहा है। सच बताओ यहाँ आने से पहले मेरे मन में था कि पूरे दिन हाउस बोट पर रहेंगे और ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं होगा, तो शायद बोर हो जाएंगे और कुछ टाइम बाद सब व्यू एक जैसा लगने लगेगा, तो क्या सिर्फ डे ट्रिप करके होटल में रह जाए, ऐसा कुछ ख्याल था मेरे मन में। बट मैं बिल्कुल ही गलत था, ट्रस्ट मी ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत है और इतना ज़्यादा शांति था चारों ओर
कि आप कहीं खो जाओगे और वीडियो में कितना भी देख लो बट रियल में इस जगह की खूबसूरती आपके दिल में एक जगह बनाई लेगी और एक यादगार सफ़र बन जाएगा आपके लाइफ के ट्रैवल जर्नी में। और यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ के भी ऑप्शंस है जहाँ आप स्पीड बोट से पूरे बैक वाटर का एक राइड लगा सकते हो। साथ में खाने पीने के लिए आइसक्रीम्स कोकोनट वाटर बोट में लेकर आते हैं, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। फिर कुछ टाइम बाद ओपन लेक क्रॉस करके हम लोग रुके एक विलेज एरिया में जहाँ हम लोग को सर्व किया गया लंच। और ये पूरा विलेज साइड है तो हम लोग करेंगे यहाँ पर लंच, एक घंटे के लिए शायद रुकेंगे यहाँ पर लंच के लिए और फिर जो फिर से कंटिन्यू होगा बोट राइड। खाना बहुत ही टेस्टी था और ज़्यादातर वेजिटेरियन ऑप्शंस ही थे, बट हाँ खाने में आइटम्स थोड़े कम थे, बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक फिश फ्राई दिया गया था जो बहुत ही यम्मी था। इस हाउस बोट में रूम्स ठीक ठाक थे बट स्टाफ लोग बहुत ही हेल्पफुल और खाना बहुत ही बढ़िया था, और ये दो चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी होता है आपके स्टे को मेमोरेबल बनाने के लिए। यहाँ पर हाउस बोट के प्राइसेस 4-5 हज़ार से लेकर 10-15 हज़ार तक के ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं, और हम लोग ने बुक कराया था एक बेसिक से बजट हाउस बोट जो हम लोग का अभी तक का एक्सपीरियंस सही था। सो राइट नाउ देख सकते हो इट्स गोइंग टू रेन, बट क्या सही लग रहा है यहाँ से, अभी पूरा मौसम देखो क्या हो रखा है, वाओ सो नाइस। और जन ठंडा फ्रेश हवा आ रहा है, लुक एट दिस, ठंडा सा हवा चल रहा है, बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का, क्या खूबसूरत है भाई। जो उसको अभी पूरा कवर कर देंगे पूरा अभी, क्योंकि पानी बारिश आएगा तो फिर घुस जाएगा अंदर, देख सकते हो मेरे को बाहर रख दिया अंदर, कोई नहीं, देख सकते बारिश होने वाला है अभी, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, बट लुक एट दिस व्यू नाउ। लोग बस खेतों के सामने गाड़ी को जो है बोट को पार्क करके बस बैठे हुए हैं, बस एंजॉय करो। अच्छा है, अच्छा टाइम स्पेंड करो और इस जगह की खूबसूरती को जो अच्छे से एंजॉय करो, बस वही है, शांति है जगह में। रात का प्लान पता नहीं क्या है आज का, तो फिलहाल तो हम लोग बस यहीं पे बैठे हुए हैं, तो खाली है, सब लोग नीचे है, हम लोग इतना टाइम से नीचे जाके उतरे, सबसे बात कर रहे थे, अभी ऊपर आए, ऊपर आके थोड़ा बैठ रहे हैं। क्या प्लान है? प्लान कुछ नहीं है, लूडो खेलेंगे, लूडो लूडो लगाना होगा अभी, गाना वाना लगाते हैं, डांस करते हैं। हाँ अब तक तब से तो गाना बज ही रहा है, शाम को शायद मूड बनेगा तब कुछ किया जाएगा क्या। तो लंच के बाद हम लोग बस रूम पर आए, बारिश कंटिन्यूस हो जा रहा है, देख सकते हो पूरा बारिश हो रहा है अभी। खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, मजा आ गया, लेकिन पूरा एक फिश खाई है, देखो कब से मैं बोल रही हूँ, दो बड़े बड़े पीस के फिश थे, फुल पॉम्फ्रेट फिश हम लोग को दिया गया, बहुत ही टेस्टी था, इट्स मस्ट एक्सपीरियंस। हम लोग का सेकंड हाउस बोट है यहाँ पर, मतलब पहले हम लोग कश्मीर में रुके थे लेकिन वो तो चलता नहीं है, बस एक ही जगह पर रहता है, बट वो भी अच्छा था, और ये तो बहुत ही अमेजिंग है, क्या बताएं। तो ये रहा हम लोग का रूम का व्यू, वाह क्या शानदार रूम है, और बस बिस्तर में लेटे लेटे कितना कुछ सुंदर व्यू आ रहा है, देखो सामने, हाँ उस साइड जो है दो हाउस बोट आ रहे, सनसेट हो रहा है उस साइड, होने वाला है अभी थोड़ा देर बाद हो जाएगा। इस पूरे बैकवाटर्स में ऐसे बहुत सारे गलियाए हैं और हर एक मोड़ पर आपको अलग अलग खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, साथ में इतना ज्यादा शांति है कि आप आराम से बैठकर कोई बुक पढ़ सकते हो या कोई ऑफिस का काम या एडिटिंग का काम भी कर सकते हो लैपटॉप में, क्योंकि पूरे बोट राइड के दौरान नेटवर्क्स बहुत ही अच्छे थे जो मुझे बहुत ही सही लगा। हाँ अगर हाउस बोट के प्राइस थोड़े कम होते तो डेफिनेटली मैं तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम बैक वाटर्स जरूर करता। फिर कुछ देर बाद फिर से हाउस बोट को थोड़ा किनारे में लगाए और हम लोग पिए मस्त चाय इन ठंडी ठंडी बारिश के मौसम में।
और हर एक ब्रेक के दौरान बोट को किनारे में लगाते ताकि खाते टाइम कभी कभार हाई टाइड्स के कारण बोट हिलने से आपको दिक्कत ना हो। और सनसेट के टाइम ये जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि बस मन कर रहा था देखते ही रहे। और यहाँ पर पूरे बैकवाटर्स के आसपास सारे गलियों में लोगों के घर होते, लोग रहते यहाँ पर, उन लोग का अपना बोट है जिनके थ्रू आना जाना करते अपने डे टू डे लाइफ में, और इसीलिए एलिपी को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे हम लोग रिटर्न हो गए अपने बेस लोकेशन पर जहाँ से राइड स्टार्ट हुआ था। बस थोड़ा वॉक के लिए निकले थे हम लोग और थोड़ा बिस्किट वगैरह ले लिए अगर रात को अगर भूख लगा तो। अभी डिनर टाइम, अभी थोड़ी देर बाद जो है डिनर स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 को देंगे। हाँ अभी ऐसे 8:30 को, अभी बज रहा ही 7:30 कुछ हो गया है तो 8:30। हाँ भूख तो लगा नहीं है अभी। ये रहा हम लोग का, हम लोग को ये वाला दिया नहीं। ये है लग्जरी क्या तो ये भी रॉयल पैलेस है हम लोग का, जिसमें गए थे उसी का ही है, सेम ओनर का, बस इसका तो लग्जरी में है। ये 10,000 का है पर रूम का भाई साहब। डिनर में बहुत सारे आइटम्स थे, वेज नॉन वेज दोनों ही, लाइक पनीर चिकन, और खाना तो क्या ही बताए बहुत ही लजीज था। और कुछ ऐसा ही था हम लोग का पूरे दिन का हाउस बोट का जर्नी। तो अभी जो फिलहाल हम लोग सुबह सुबह निकले हैं, 1 घंटा और जो है 1 राउंड लगेगा पूरा पूरे बैक वाटर्स के, और उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा और फिर हम लोग निकल जाएंगे आज वर्करा के लिए। वाटर एक्टिविटीज पे होते हैं स्पीड बोट लेके जो आप जा सकते हो, ऐसे भी वो लोग आते हैं यहाँ पर हर एक बोट हाउस बोट के सामने आकर पूछते हैं अगर आपको जाना है राइड करना है तो आप कर सकते हो जाकर, तो ऐसा भी ऑप्शन है देख सकते हो सुबह सुबह। तो सुबह हम लोग का चेकआउट था 9 बजे, तो उससे पहले ब्रेकफास्ट में हम लोग के लिए था इडली डोसा सांभर और कुछ फ्रूट्स। और इस बार ब्रेकफास्ट के दौरान बोट को रोके नहीं कहीं पर क्योंकि सुबह के टाइम लो टाइड्स होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग इस जगह की सुबह की वाइब को थोड़ा एंजॉय किए, फिर हम लोग पहुंच गए जेटी पर वापस। और यहाँ पर आपको बहुत सारे बैक वाटर्स रिसोर्स भी मिल जाएंगे, जो लोग हाउस बोट पर रुकना नहीं चाहते वो लोग ऐसा रिसोर्स में भी रुक सकते हैं। तो अच्छा था यार, कल का दिन भी पूरा 6 घंटा तक चला, मतलब 12 बजे स्टार्ट हुआ, 6:30 तक जो है बोट चला, मतलब बीच में 1 घंटा रुका लंच के लिए, और अभी भी सुबह जो है 1 घंटा चला तो लगभग 7 घंटा तो बोट राइड में था, तो अच्छा था वो ये भी। और रात को तो वैसे भी वो बोट एक जगह पर आके रुक जाती है, और अभी हो गया और पीछे देख रहे तो लाइन से जो है सारी बोट्स लगे हुए हैं, तो ये यहाँ से सब बोट स्टार्ट होते हैं, हज़ारों में बोट है यार। अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हो तो यहाँ पर जो आके बोट आप खुद से चूज़ करके जो ले सकते हो, पीक में पता नहीं यार, पीक में तो देखो आज भी अभी पीक टाइम ही चल रहा है, और फिर भी देखो कितने सारे बोट चल रहे मतलब लोग है तो चल रहे हैं, वरना देख सकते हो यहाँ पर जो है बाकी सब बोट जो खड़े हुए हैं, और कुछ कुछ बोट्स में तो लोग रहते भी है यहाँ पर। सो चलो जी, अभी हाउस बोट का राइड ख़त्म और हम लोग पहुँच गए अपने जो है डेस्टिनेशन पर, तो यहाँ पर पार्क हो जाएगा और हम लोग भी निकल जाते हैं वर्करा के लिए। और ये हाउस बोट जो बहुत ही अच्छा था, यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, सब लोग जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है, आके बार बार पूछे कुछ चाहिए खाना पीना कैसा है, सो फीडबैक ले रहे थे, तो अच्छा है स्टाफ तो बहुत ही अच्छे थे। हम लोग को बस यही चाहिए था कि अच्छा स्टाफ और खाना हो, और दोनों इस हाउस बोट पे मिल गया। थोड़ा बहुत कमियाँ तो हर चीज़ में होती है लेकिन बेस्ट है। तो बाय बाय हाउस बोट ख़त्म, सब देख लेते एक बार अच्छे से, कुछ बचा तो नहीं, चलो। और फिर चेकआउट करके हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है वर्कला, जो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।